गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में बता रहा हूँ। कर्मधारय तत्पुरुष समास में है कि जिस समास के विग्रह के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व पद में प्रायः विशेषण होता है और उत्तर पद में विशेष, जैसे सुंदरी चौसा कन्या। यहाँ पूर्व पद में स्थित सुंदरी उत्तर पद में स्थित कन्या का विशेषण है। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है। विग्रह करते समय पूर्व पद, पूर्व और उत्तर पद विग्रह करते समय पूर्व और उत्तर पद पदों में पदों के बीच में च तथा पदों के अनुसार उपमान की प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगी या एक वचन लगेगा। इसके अन्य उदाहरण हैं, इसमें जो है विशेषण और विशेष। अब इसमें बताया गया है कि जिस समास के विग्रह के दोनों पदों में एक ही व्यक्ति तथा वचन हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें जो है कि पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष। अब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष के उदाहरण आपको नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि समस्त पद में और नीलोत्पल है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है नीलम च तत् उत्पलन, यानी नीलम उत्पलन। इसमें नीलम जो है वह विशेषण है और उत्पलन विशेष है। नीलम का अर्थ हुआ नीला और उत्पल का अर्थ हुआ कमल, नीला कमल। दूसरा उदाहरण है महापुरुष, महान चासो पुरुष अर्थात महान पुरुष। यहां जो है इसमें कर्मधारय समास है। अब जो है महान पुरुषा में महान विशेषण है और पुरुषा विशेष है। क्या है उत्तम जना विग्रह है उत्तमांश्च ते जना। अब इसमें है यानी उत्तमा जना, यहाँ उत्तमा शब्द जो है वह विशेषण है और जना विशेष है। रक्त उत्पलम, रक्तम च तत् उत्पलम। यहाँ रक्तोत्पलम का विग्रह किया गया है रक्तम च तत् उत्पलम, यानी रक्तम उत्पलम तरक्त का पौधा है लाल, उत्पलम माने कमल, लाल कमल। तो यहाँ रक्तम जो है विशेषण है और उत्पलम विशेष है। निर्मल वस्त्रम, निर्मलम च तत् वस्त्रम यानी निर्मलम वस्त्रम। यहाँ निर्मलम विशेषण है और वस्त्रम विशेष है। विद्वत जना, विद्वान च असौ जना यानी विद्वान जना। इसमें विद्वान शब्द जो है विशेषण है और जना विशेष है। उसके बाद है सत्पुरुषा, संताश्च ते पुरुषा यानी संता पुरुषा। यहाँ संता जो है विशेषण है और पुरुषा विशेष है। सर्व शैला, सर्वे च ते शैला, यहाँ सर्वे विशेषण और शैला विशेष है। उसका आगे और उदाहरण है कि कृष्ण सर्प, कृष्णश्च असौ सर्प यानी कृष्ण सर्प। यहाँ जो है कृष्ण विशेषण है, सर्प विशेष है। कर्मधारय समास का उदार जना, उदारस चासौ जना। यहाँ उदार जना, उदार विशेषण, जना विशेष है। जीर्णोद्यानम, जीर्णम च त उद्यानम, जीर्णम उद्यानम। यहाँ जो है जीर्णम विशेषण है, उद्यानम विशेष है। वृद्ध श्रृगाल, वृद्धश्च असौ श्रृगाल, यहाँ वृद्ध विशेषण, श्रृगाल विशेष है। पुण्य तीर्थम, पुण्यम च तत् तीर्थम, यहाँ पुण्यम विशेष है, विशेषण है और तीर्थम विशेष है। निर्मल गुण, निर्मलाश्च ते गुण, निर्मला यानी निर्मला गुण। यहाँ जो है निर्मला शब्द जो है वह विशेषण है और गुणा विशेष है। कृष्ण चतुर्दशी विग्रह है
कृष्णा चासौ चतुर्दशी, यानी कृष्ण चतुर्दशी, यहाँ कृष्ण विशेषण है और चतुर्दशी विशेष है। इस प्रकार जो है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास का में विशेष विशेषण समास समाप्त हुआ। अब अगले रोज मैं आप लोगों को इसका आगे उपमान उपमान रूप में कर्मधारय में बताऊंगा।